और मैं कहना चाहता हूँ सर, माननीय अनुराग जी एक किताब गौरव जी को भी भिजवा दीजिएगा। मैं कॉपी गौरव जी को भिजवा दूंगा सर। सर इसमें जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो हमारे उस समय की, सर उस समय की प्रधानमंत्री थी जिन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, एक नेता की स्वर्गीय दादी जी भी हैं, और मैं उनके नाम के आगे प्रियदर्शनी भी लिखा जाता था और उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। लेकिन माननीय सभापति जी मैं कहना चाहता हूँ, दुशासन और दुर्योधन दोनों बहुत ही दुष्ट और बदमाश हो सकते थे, लेकिन उन्होंने भी कभी इमरजेंसी नहीं लगाई थी। दुशासन और दुर्योधन दुष्ट भी हो सकते हैं, दुश्मन भी हो सकते हैं, बदमाश भी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी इमरजेंसी नहीं लगाई थी। सर पूरे उपन्यास में 74 बार कौरव और कौरव पार्टी की चर्चा हुई, हर एक में कांग्रेस का चरित्र झलकता है। राहुल जी सदन में हजारों साल पूर्व हुए महाभारत की कहानी सुना रहे थे, मगर उनकी अपनी पार्टी के पढ़े लिखे एक विद्वान पूर्व मंत्री और सांसद आज के महाभारत की कहानी लिखते हुए बताते हैं कि कौन कौरव था, कौन शकुनी था, कौन धृतराष्ट्र था, कौन दुशासन था, कौन दुर्योधन था, कौन करण था। जरूर पढ़िएगा, सबके किरदार उसी में मिलने वाले हैं। और शायद जिस समय शशि थरूर जी लिख रहे थे उस समय आपका टैलेंट उनको पता नहीं था, नहीं तो 100 पन्ने तो आप पे ही लिख देते साहब। आप चाहते कार्रवाई हो जाए। माननीय सभापति जी कल जब राहुल गांधी जी चक्रव्यूह पर बहुत ज्ञान दे रहे थे तो पीछे दो लोग कुमारी शैलजा जी और दीपेंद्र जी बैठकर मुस्कुरा रहे थे। अब शायद राहुल जी वो पीछे हंस तो रहे थे, लेकिन आप एक बार जरूर कर लीजिए, चक्रव्यूह के परिप्रेक्ष्य में इन दोनों से बेहतर कौन बता सकता है हरियाणा के चुनाव आने वाले हैं। जान लीजिए कि कौन शकुनी है और कौन अभिमन्यु है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। आपको एक और सुझाव है और मैं इतना जरूर कहूंगा, आपने तो कई सारे चक्रव्यूह बनाने का काम किया सर, और जब उस समय किशोर अभिमन्यु पर कौरवों ने युद्ध नीति के विपरीत जाकर प्रहार किया था, तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। इतने में पुत्र दुशासन ने पीछे सा था वार किया, निष्प्राण हुए एक गदा से सिर पर था प्रहार किया, मां धरती की गोद में वह आंख मूंद कर सो गया, अंबर का तेजस्वी तारा धूमकेतु सा खो गया, लेकिन कोई तारे का तेज फीका नहीं कर सकता, वीर गति पाकर अमर हुआ हो कभी नहीं मर सकता है। पुत्र सुभद्रा कुरुक्षेत्र में जिसकी अमर कहानी थी, नौ माह में सीखी विद्या जब 16 साल जवानी थी। अब उस अभिमन्यु को जिसने सारे चक्रों को तोड़ने का काम किया, मैं इतना ही कहूंगा, चक्रव्यूह का प्रसंग छेड़कर आपने अच्छा किया, इस देश ने बहुत सारे चक्रव्यूह देखे, कांग्रेस का चक्रव्यूह। सर इसके सात किरदार मैं बताता हूं सर, पहला कांग्रेस, दूसरा पंडित नेहरू, सर नाम लेने के लिए मना किया, मैं दूसरी तरह से बोलता हूं, पहला कांग्रेस, दूसरे पहले प्रधानमंत्री एनजी, फिर तीसरा किरदार आईजी पूर्व प्रधानमंत्री, चौथा RG1 उस समय के प्रधानमंत्री, पांचवा SG, छठा RG2 और सातवां आप सब जानते ही हैं, आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। सर पहले चक्रव्यूह ने देश को विभाजन कराया, पहले चक्रव्यूह ने देश का विभाजन करवाया, और दूसरे जो NG उन्होंने देश को कश्मीर की समस्या दी और चीनियों को भारत की भूमि सौगात में दी, चीनियों को भारत भूमि सौगात में दी। सर तीसरे चक्रव्यूह IG ने, पूर्व प्रधानमंत्री IG ने देश को आपातकाल दिया, इमरजेंसी दी और पंजाब में अशांति दी। चौथे
जो आरजी वन ने बोफोड़ दिया और सिखों का निस्संहार किया। पांचवे जो ऐसी हैं, उन्होंने सनातन धर्म परंपरा के प्रति नफरत का नैरेटिव बनाया, 12 लाख के करोड़ के घोटालों को संरक्षण प्रदान किया, देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को भंवर जाल में फंसाया। और छठे ठहरे आप, जिन्होंने पिछले 15 सालों में देश की राजनीति, संसदीय परंपरा और संस्कृति को इतना नुकसान पहुंचाया, जितने की ये बाकी 6 मिलकर चक्रव्यूह एक साथ मिलकर भी नहीं कर पाए। और रही सातवीं, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, मैं इतना ही कहूंगा सभापति जी, सातों चक्रव्यूह ने मिलकर देश को गरीबी, भूखमरी, आतंकवाद, कट्टरवाद जैसे अनगिनत दुष्चक्रों में फंसा दिया था। देश को हमने इन आपके दुष्चक्रों से बचाया है, आजाद कराया और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास रथ को आगे बढ़ाया। आज दुनिया में भारत को पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया। आप जिस अभिमन्यु को घेरने की कोशिश पिछले 22 सालों से कर रहे हैं, गुजरात से लेकर दिल्ली तक, आपके योद्धा और आपकी सरकारें निपट गई, लेकिन आप उनको घेर पाए क्योंकि वो जनता के दिलों में बसे हैं। आज यहाँ 293 अभिमन्यु बैठे हैं, भले ही आपके पास करण जैसे धुरंधर हों, शकुनी जैसे कुटिल रणनीतिकार हो, धर्म हमारे साथ है। भले ही आपके पास नारायणी सेना हो, लेकिन स्वयं भगवान कृष्ण हमारे साथ है, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में दिखाया। माननीय सभापति जी, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता, हमारे साथ तो जनता रूपी रघुनाथ है और आगे भी रहने वाला है। आप देखिए, ये कल से हलवा बांटने की बात कर रहे थे, अध्यक्ष महोदय, झूठ के पैर नहीं होते, ये झूठ अक्सर कांग्रेसियों के कंधे पर सवार होकर सैर करते हैं, जैसे मदारी के कंधे। सर इसको देख लीजिए, माननीय सभापति जी, झूठ सब के बजाय आप असत्य कहें, झूठ असल जदी है, उसको हम कार्रवाई का हिस्सा नहीं, असत्य कहें। माननीय सभापति जी, आई हैव ऑलरेडी गिवन रूलिंग मिस्टर वेणुगोपालिया, आई हैव गिवन रूलिंग। माननीय सभापति, असत्य के पैर नहीं होते, असत्य के पैर नहीं होते, और ये असत्य अक्सर कांग्रेसियों के कंधे पर सवार होकर सैर करता है। जैसे मदारी के कंधे पर बंदर होता है, वैसे ही राहुल जी के कंधे पर बंदर होता है। झूठ का बंडल होता है जिसे वो रोज यहाँ पसंद परोसते हैं ये बजट पर, सदन पर। माननीय सभापति जी, जिस व्यक्ति को बजट निर्माण की प्रक्रिया का पता ना हो, संसदीय कार्य में रुचि ना हो, मात्र अध्यादेश को फाड़ने का काम किया हो, उससे क्या अपेक्षा की जा सकती है? मैं पूछना चाहता हूँ, हलवा किसको मिला? राहुल जी बताइए, हलवे की बात की थी, जीव घोटाले का हलवा किसने खाया, वो फोर्स घोटाले का हलवा किसने खाया, अंतरिक्ष देवास घोटाले का हलवा किसने खाया, नेशनल हेराल्ड के घोटाले का हलवा किसने खाया, सबमरीन घोटाले का हलवा किसने खाया, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले का हलवा किसने खाया, टूजी स्कैम हलवा किसने खाया, कॉमनवेल्थ गेम का हलवा किसने खाया, कोयला घोटाले का हलवा किसने खाया, वाल्मीकि योजना घोटाले का हलवा किसने खाया, चारा घोटाले का हलवा किसने खाया, यूरिया स्कैम का हलवा किसने खाया? राहुल जी, हलवा मीठा था या फीका? माननीय सभापति जी, कुछ लोग
कुछ लोग ओबीसी की बात करते हैं, मैं ये कहता हूँ इनके लिए ओबीसी है। गौरव सुनिए, गौरव बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप कैंडी एड्रेस दीजिए। मान्य सर, इनके लिए ओबीसी का मतलब है ओनली फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन, ओनली फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन। और ओनली फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन के लिए काम करने वाली पार्टी अदर बैकवर्ड कास्ट की बात करती है तो आर्नी को भी पंखे के साथ लटकर आत्महत्या कर लेनी चाहिए। मतलब जिस पार्टी ने अपने पार्टी के अध्यक्ष जो एक पिछड़े वंचित समाज से आते थे उनको धोती से खींचकर पार्टी से बाहर निकाल दिया हो, उसके शहजादे हमें ज्ञान बांट रहे। अरे साहब, इनको पहले तो एलओपी का मतलब समझना पड़ेगा। ये लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा नहीं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। इसका मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, जवाब आपका दे रहा हूँ। माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी।